नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रंजीता, फाइव लोटस इंडो जर्मन नेचर केयर सेंटर से, जो कि एक NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है। मेन अब जिस जिसमें फोकस करना है PCOS या PCOD के कंडीशन में, वो है योगा। सिर्फ डाइट से ही काम नहीं होता, सिर्फ प्रॉपर स्लीप से काम नहीं होता, या सिर्फ लाइफस्टाइल सुधारने से नहीं होता। योगा जो फोर्स करता है वो ये है कि आपका जो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन है पैल्विक रीजन में, गायनिक रीजन में, जिससे वहाँ पर जितना ज़्यादा सर्कुलेशन होगा, जितना ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगा, वो सिस्ट को मेल्ट करने में उतना ज़्यादा हेल्प करता है। तो ऐसे कौन कौन से आसनास हैं जो कि PCOD या PCOS में किया जाता है? तो जैसे कि धनुरासन है, मरजारी आसन है, मल आसन है, नवकासन है, और सबसे बेस्ट आसन जो होता है वो आदि पद्म पोस्चर। उसका पूरा काम ही रहता है आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स को इम्प्रूव करना। इन सब के अलावा आप बटरफ्लाई पोज भी कर सकते हो, या फिर आप ताड़ासन भी कर सकते हो। ये मसल स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हेल्प करते हैं। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए जो कि PCOS या PCOD से सफ़र कर रहे हो। थैंक यू।